ईसाई मिशनरी के एक मैरिज प्लेस में धर्म प्रचार कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं द्वारा जबरन धर्म परिवर्तन का आरोप लगाते हुए कार्यक्रम को बंद करवा दिया गया। वहीं ईसाई मिशनरी द्वारा हिंदूवादी संगठनों पर कार्यक्रम में हंगामा करते हुए तोड़फोड़ और झगड़ा फसाद करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने शांति भंग के आरोप में कुष्ठकों को हिरासत में भी लिया, साथ ही ईसाई मिशनरी के धर्म प्रचारकों के विरुद्ध जबरन धर्म परिवर्तन करवाने के आरोप में पुलिस थाना में मामला दर्ज हुआ है। दोनों पक्षों की तरफ से पुलिस में मामले दर्ज करवाए गए हैं। दोनों मुकदमों में पुलिस उप अधीक्षक पूनम चौहान अनुसंधान कर रही हैं। गंगा मैरिज पैलेस मंडी टूली गंगा में ईसाई समुदाय द्वारा सत्संग का आयोजन कर स्थानीय लोगों ने उसमें भाग लिया था, जिसमें करीब 250-300 लोग थे। तभी कुछ लोग मुंह पे टाटा लगाकर करीब 250-300 लोग हाथों में लोहे की पाइप पे लाठियां डंडे लेकर गंगा मैरिज पैलेस पे गए और वहाँ धार्मिक कार्यक्रम में सिर्फ लोगों के साथ मारपीट की और जो भी वहाँ सामान था उसमें तोड़फोड़ की, वाहनों में भी तोड़फोड़ की। तभी सूचना मिलने पर थानाधिकारी मेरे पास क्या 4 दिन पहले 3-4 बंदे आए थे इस समझी के, जिसमें वो आए थे, एक तो अरवंश था, दूलीचंद था और 3-4 बंदे और थे इसके पास। तो कल शाम को मेरे पास आए, उन्होंने बोला मेरे को भी आप हिंदू धर्म हमारे छोड़ के, हिंदू धर्म छोड़ के आपका ईसाई धर्म में आओ। तो मैंने कहा क्या बात है, क्या सिस्टम है इसमें? तो उन्होंने बोला भी आप आके देखो, एक बार आके देखो, आपकी जो घर गृहस्थी की हालत है, जो आर्थिक हालत है, वो सही कर देंगे आपकी। आपको मेरे को ये भी बोला उन्होंने, आपको पैसे भी देंगे 5 लाख रुपए तक का उन्होंने ऑफर भी दिया मेरे को। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, देख लेंगे आगे। तो मैं अब गया था, उनका प्रोग्राम था, वहाँ चला गया तो मैंने प्रोग्राम देखा उनका। प्रोग्राम देखने के बाद उन्होंने, मैंने उनको बोला भी सर मैं तो ईसाई धर्म में नहीं आऊँगा, भी मैं हिंदू हूँ तो हिंदू में रहूँगा। तो उन्होंने कहा भी पहले तो आपने बोला था भी ये कर लेंगे। मैं को सर मैंने पहले आपको प्रोग्राम देखा नहीं था। तो उन्होंने क्या मेरे को गाली गुली दी, जातिवादी गाली दी, दानके की गाली दी।